सुबह 11 बजे से हम लोग अभी तक मौजूद है, और ये जो युवा देख रहे हैं सब केवल एक ही उम्मीद के लिए है कि भले हम लोग को 12 बजे रात तक इंतजार करना पड़े, कर लेंगे, भूखले प्यासे कर लेंगे, क्योंकि अभी हम यदि इंतजार कर रहे हैं तो तेजस्वी जी से उम्मीद है कि वो हमारे युवाओं का सम्राट है, और इस उम्मीद से हम लोग खड़े हैं कि कम से कम जीवन भर दोबारा फिर भूखा तो नहीं रहना। 5 घंटा इंतजार किया, 5 दिन भी इंतजार करना पड़े तो वो कम है तेजस्वी के लिए। अभी दरभंगा के DMCS परिसर में मौजूद है, खासकर यहाँ पे 6:30 अभी तक बज रहा है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव अपने सभा मंच पे नहीं पहुँचे हैं। खासकर जितने भी यहाँ पे उनका समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, सभी धीरे धीरे अपने घर लौट गए हैं, सभी निराश होकर लौट रहे हैं, और कुछ ही कार्यकर्ता अभी उनके इंतजार में हैं कि जब तक तेजस्वी यादव नहीं आएंगे तब तक हम मैदान को छोड़ेंगे नहीं। खासकर हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस जनसभा में पूरे बिहार में तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो 17 साल में नहीं दिया वो 17 महीना में हम लोग और नौकरी दिए, और उन्हीं को बातों के लेकर पूरे बिहार में तेजस्वी यादव भ्रमण कर रहे हैं, आम जनताओं को बता रहे हैं, अपने समर्थक को बता रहे हैं कि गांव-गांव में जाके गली में जाकर लोगों को बताना है। ये सभा स्थल है, तेजस्वी यादव जी का सभा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो उनका समर्थक था, जो उनका उनका जो दर्शक था, वो सभी लोग करीबन 6 घंटा से इंतजार कर रहे थे। फिर भी अभी तक, तब हम विशेष रिपोर्ट बता रहे हैं कि अभी तक कभी अभी तेजस्वी यादव जी अभी अपनी जनसभा में नहीं लौटे हैं। खासकर हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल है, जो उनका समर्थक है उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि फेसबुक पर देख रहे हैं मिशन सच को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मिशन सच को सब्सक्राइब करें। बताइए कितने देर से आप लोग तेजस्वी के इंतजार में? देखिए सुबह 11 बजे से हम लोग अभी तक मौजूद है, और ये जो युवा देख रहे हैं सब केवल एक ही उम्मीद के लिए है कि भले हम लोग को 12 बजे रात तक इंतजार करना पड़े, कर लेंगे, भूखले प्यासे कर लेंगे, क्योंकि अभी हम यदि इंतजार कर रहे हैं तो तेजस्वी जी से उम्मीद है कि वो हमारे युवाओं का सम्राट है, और इस उम्मीद से हम लोग खड़े हैं कि कम से कम जीवन भर दोबारा फिर भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, जीवन भर के लिए वो नौकरी हमको देख के सेट कर देंगे, इसलिए एक दिन यदि हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो करेंगे, लेकिन उनका दीदार करने के बाद ही जाएंगे, इसी उम्मीद से ये लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है कि अभी आएंगे कि आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन नहीं, वो आएंगे और आ ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं इससे दुगुना भीड़, आपको हर जगह उनके रास्ता में लोगों का पूरा हुजूम लगा हुआ है, और क्योंकि वो बाय रोड आ रहे हैं तो इसलिए जगह जगह पे उनको फेस करना पड़ रहा है, इसी के कारण इतना वो लेट से आ रहे हैं, और क्योंकि वो हर दिल अजीज है, वो हर युवा के दिल के धड़कन है, इसीलिए जिस रोड से वो गुजर रहे हैं वहाँ पे युवाओं का हुजूम लग जाता है, इसी के कारण उनको कुछ विलम्ब हो रहा है और होगा कुछ विलम्ब। 2024 आने वाला है, 2025 भी आने वाला है, जिस तरह से केंद्र के मोदी सरकार कर रहे हैं युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जी जी एक मिनट, देखिए हम मोदी जी को ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी आपने तो ये कह के आया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आप तो नहीं दिए। आपने ये भी कहा था, वादा किया था कि हम प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपया देंगे और काला धन वापस लाएंगे, आपसे वो भी नहीं हुआ। आपने ये भी कहा था कि प्रत्येक किसान का आय दुगुना होगा, आपने वो भी नहीं किया। दूसरी बात, हमारे तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में ये बोल रहे थे कि हम 10 लाख, सर्वप्रथम उन्होंने बोला कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं सरकारी नौकरी, पहला कैबिनेट मीटिंग के दौरान जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने अपना वादा उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान पूरा किया, और शायद इसी शर्म से मोदी जी को भी मजबूर कर दिया कि इनको देखा देखी उन्होंने भी कुछ नौकरियां बांटी है। दूसरी बात, कि ये तेजस्वी बाबू तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह से कि भैया अमित शाह जी, आपका बेटा क्या सोना का बॉल या बैट लेके पैदा हुआ था? और हमारे इतना युवा जो कि पढ़े लिखे, इतना मेहनत करके, इतना गरीब लोग, गरीब से हल चला के, रिक्शा चला के, हमारे पिता रिक्शा चला के, हल चला के हम लोग को पढ़ाता है, और मेहनत से हम लोग पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हम लोग को कुछ नहीं, और अमित शाह का बेटा BCSA का चेयरमैन हो जाता है। मोदी जी बताइए कि क्या हमारे देश में, ये बिहार में इतने हमारे नवयुवक जो कि आज हमारे महागठबंधन के सरकार, हमारे तेजस्वी जी जिन्होंने कमिटमेंट किया, उन्होंने
17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, यदि वो 5 साल रहते तो सोच लीजिए कि कितना 5 लाख नौकरी होता, कितना 5 लाख नौकरी होता। आप लोग उनका भाषण सुन के ही जाइए, सुन के ही जाएंगे, भाषण सुने ना सुने उनका दीदार करके जाएंगे, उनका शकल देख के जाएंगे, सुन के जाएंगे, नहीं जाएंगे, सुन के जाएंगे, उनके पूरा कर्मठ से बोल दिए कि भैया को देखिए कहेंगे, कैमरा में दिखाई लालटेन जल रहा है ऊपर पूरा, यहाँ जोत है, जोत है, यहाँ अंधेरा की कोई जरूरत नहीं, जोत है। 5 घंटा इंतजार किया, 5 दिन भी इंतजार करना पड़े तो वो कम है तेजस्वी के लिए जी, हर पे भी तो इंतजार करता है, कोई बात नहीं है, मेरी माँ हमारे लिए सब दिन इंतजार करती है, लेकिन उससे बड़ा अभी दिल का युवा धड़कन आइकॉन तेजस्वी यादव, बस सबके मन में आइकॉन तेजस्वी यादव।